क्वेश्चन दे रखा है, कार स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड विद यूनिफॉर्म सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पाथ। वेलोसिटी ऑफ कार मिड पाथ पे बतानी है, यानी कि एक कार जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है। ए का एक्सेलरेशन मान लो मिड पाथ पे, यानी कि इनिशियल पोजीशन मान लो ए पे थी, फाइनल बी पे, मिड पाथ पे यानी कि ए टू सी जो डिस्टेंस है एस मान लो, सी टू बी भी कितनी डिस्टेंस होगी एस, मिड पाथ पे इस कार की वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसको आप इसके लिए फॉर्मूला आता है वेलोसिटी एट मिड पाथ, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और मोशन अगर यूनिट डायरेक्शनल है तो फॉर्मूला आता है यू स्केयर प्लस वी स्केयर डिवाइड बाय में टू पूरे का अंडर रूट। तो इसमें वी स्केयर यू स्केयर यानी कि 10 का स्केयर प्लस 30 का स्केयर डिवाइड बाय में टू पूरे का अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास 10 का स्केयर 100 प्लस 900 डिवाइड बाय में टू पूरे का अंडर रूट, तो आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय टू पूरे का अंडर रूट, अंडर रूट 500, अंडर रूट 500 यानी कि 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आएगा 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हो तो इस केस में ए टू सी आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ए टू सी क्या करो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ए टू सी वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू ए एस, यहाँ पे वेलोसिटी हमने वी मान रखी कि मिड पाथ पे वेलोसिटी वी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी वी का स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्केयर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में एस, यहाँ से वी स्केयर माइनस 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 ए एस, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सी टू बी आप थर्ड इक्वेशन दोबारा से लगा दो, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी 30 का स्केयर वी स्केयर इनिशियल वेलोसिटी वी प्लस 2 ए एस, यहाँ से 900 माइनस वी स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ए एस, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो आप, तो वी स्केयर माइनस 10 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 900 माइनस वी स्केयर, तो 2 वी स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000, तो वी स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 500, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 500, और वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।